हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश पाटीदार और आज हम बात करेंगे जिंदर महल, जो कि महाराजा के नाम से भी मशहूर हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्यों पीपल जिंदर महल को ना पसंद करते हैं। चलो माना दूसरे देश के करते हैं तो करने दो, लेकिन भारत वाले भी करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है। हम सब चाहते हैं कि इंडिया से कोई रेसलर जाए, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं करना चाहते। क्या जिंदर महल को खेलना नहीं आता? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बहुत गलत सोचते हैं। अगर खेलना नहीं आता ना तो वो वहां पर पहुंच भी नहीं पाते। अगर आपको लगता है कि रेसलिंग में जानना कौन सी बड़ी बात है तो आप करके बताओ। वो सिर्फ वहां पर गए नहीं बल्कि बहुत सारे मैच भी जीते और भारत का नाम रोशन भी किया। लेकिन हमारे जैसे भारतीय को तो उनके ऊपर गंदे कमेंट करने की कह दो बस। मैं तो जहां पर देखूं वो ट्रोल किए जाते हैं, चाहे वो फेसबुक हो या फिर गूगल। गूगल पर आप सर्च करोगे जिंदर महल के बारे में तो उनकी कामयाबी कम, उनके ऊपर गंदे कमेंट ज्यादा आएंगे। रेसलिंग का नाम लो तो आपके दिमाग में सबसे पहले जॉन सीना, अंडरटेकर, रोमन का नाम आएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मशहूर है। और ये मशहूर क्यों है? क्योंकि इनके पीछे इनकी देश की जनसंख्या है। और जिंदर महल का नाम पहले क्यों नहीं आता? क्योंकि उनके पीछे कोई नहीं है। जॉन सीना, अंडरटेकर के देश की संख्या तो यही कम है। अगर हम भारतीय जाग गए तो वो दिन भी दूर नहीं जब जिंदर महल का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। और सिर्फ जिंदर महल का नाम नहीं आएगा, उसके पीछे हमारे इंडिया का नाम भी आएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। अगर हम ऐसे ही इनको नापसंद करते रह गए ना तो कोई रेसलर आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। क्या आप नहीं चाहते हो कि इंडिया का नाम आगे बढ़े? जिंदर महल बिना सपोर्ट के इतना आगे जा सकते हैं और अगर उन्हें सपोर्ट मिल गया तो वो बहुत आगे निकल सकते हैं। मैं पहले WWE देखता तो कोई भी मुझे इंडिया का प्लेयर नहीं नजर आता था, खली को छोड़कर। इसका कारण मुझे बाद में समझ में आया, क्योंकि कोई उनको सपोर्ट ही नहीं करता। अगर कुछ भी समझ में आ गया हो ना तो प्लीज सपोर्ट करने लग जाना, ताकि इंडिया का नाम आगे हो सके और हम गर्व से कह सके कि हम भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत।